जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। ये सभी फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया, विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी ब्लू व्हेल है। कौन से नियत तापी प्राणी? देखिए, नियत तापी प्राणियों का एक समूह होता है, तो इसमें कई जीव आएंगे। अब ये क्वेश्चन जिस पेपर में बना होगा तो वहाँ पे ब्लू व्हेल विकल्प रहा होगा। कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ब्लू व्हेल। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता, मतलब सबसे तेज भागने वाला जो जंतु है ये चीता है। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए स्तनी में, स्तनी का मतलब मैमल्स। आगे, भारत का राष्ट्रीय जली जंतु कौन है? गंगे, डॉल्फिन। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है तो यह है डॉल्फिन। नेक्स्ट दिया, कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था ये भेड़ का बनाया गया था, इस बिंदु को जरूर याद रखिएगा। साइबेरियाई आईबैक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। तो देखिए, साइबेरियाई आईबैक्स याद रखिएगा, बकरियां की प्रजाति है, बड़ी होती है, है ना। कौन एक सबसे बड़ा बंदर है? गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर होता है। मानव सदृश लघुतम कपि है, जो मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपि है, ये गिब्बन है। कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कंगारू, कंगारू मार्सुपियल्स होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर क्या डेटा दिया गया। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस का अर्थ है, लार्ज ब्रेंड होमिनिड ये इसका अर्थ होता है, जो होमोसैपियंस है होमोसैपियंस का अर्थ ये होता है। होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे क्रोमैग्नन, तो जो होमिनाइड्स थे क्रोमैग्नन थे। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत होता है? तो एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर से दिखाई देता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, मतलब ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं? तो कंकाल पेशी। लसिका इसमें उपस्थित होता है, जो संवहन ऊतक, संवहन ऊतक में लसिका पाया जाता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, तो बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा। और आगे दिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। अगर रक्त का पीएच 7.4 है तो रक्त कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। अगर 7.4 से कम होता तो अम्लीय होता। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? 14.5 ग्राम। मतलब एक सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके 100 ml ब्लड को देखेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14.5 ग्राम। प्लाज्मा, जो कि रक्त का एक घटक है, ये क्या होता है? एक द्रव होता है। प्लाज्मा में 90% के आसपास जल होता है। दोस्तों, अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो कॉपर आयन रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। अब देखिए यहाँ पर जब जो क्वेश्चन बना होगा पेपर में तो 4 विकल्प होंगे, तो उसमें से जो आंसर है उसी को रखा गया। RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं, का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। देखिए जब रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है तो RBC भी बोन मैरो में बनेगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन, मतलब RBC का जीवन 120 दिनों तक होता है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा, प्लीहा को स्प्लिन भी कहते हैं, तो स्प्लिन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC इसका नाम है, कितने प्रकार की होती है? तो WBC 5 प्रकार की होती है। देखिए 5 प्रकार में इसका बंटवारा सबसे पहले ऐसे 2 पार्ट्स में किया गया, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। फिर यहाँ पर एक में 3 होता है, एक में 2 होता है, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये 5 टाइप होते हैं। आगे दिया गया,
रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? संक्रमण से संघर्ष करना इसका मुख्य काम है। रक्त में सफेद रक्त कण क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाता है, मतलब ये शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कार्य करता है। WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। देखिए यही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा गया। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोग के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में, ये पॉइंट याद रखिएगा। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। जो रक्त लाल रंग का दिखाई देता है ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आयरन। जो लोहा है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसे पूरा करना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे दिन भर थकान महसूस होगा। रक्त प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं के संदर्भ में सही कथन है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी नाम दिया जाता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होते हैं? थ्रोम्बिन, है ना। जब ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना होता है तो इन सबका यूज होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है बोन मैरो में। देखिए ब्लड अगर बोन मैरो में बन रहे तो ब्लड के जितने कंपोनेंट है सबका निर्माण बोन मैरो में होगा। आगे दिए मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन किससे निकलता है? प्लेटलेट से निकलता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हीपेरिन। तो हीपेरिन ऐसा पदार्थ जो रक्त को जमाने में सहायता करता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो ये भी हीपेरिन के कारण। देखिए हीपेरिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है, जब तक ये रक्त के अंदर रहेगा मतलब जब तक बाह्य ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये खून को जमने नहीं देगा, और जैसे बाह्य ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो खून को जमा देगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है, तो बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट। रक्त समूह का आविष्कारक, आविष्कारक नहीं रक्त समूह के खोज करता है, क्योंकि रक्त समूह पहले से था, इसकी खोज किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। तो उनका नाम याद रखिए कॉडलैंड स्टीनर। आगे इसमें और भी फैक्ट दिया गया। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो बंदर से, है ना। RH फैक्टर बंदर से लिया गया। RH का पूरा नाम होता है रईसस फैक्टर। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी रोग प्रतिकारक नहीं होते, और AB को सर्वग्राही भी कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया, और O को सर्वदाता। AB रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होते। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और वह महिला B से शादी करता है तो उसके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता? तो O कभी नहीं हो सकता। इसके लिए ना एक ऐसे ये चार्ट बनता है। ये चार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिजाइन कर दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक आदमी है, आदमी का ब्लड ग्रुप है AB, तो इसके जीन को IA से इंडिकेट करेंगे। AB है ना, तो IA IB। और एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे B, तो आप लिखेंगे IB और IB। जब इनमें क्रॉस होगा तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा? IA IB, मतलब AB बनेगा। यहाँ पर सिर्फ B बनेगा, यहाँ पर भी AB बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ B बनेगा। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है ना, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है? O नहीं हो सकता, क्योंकि AB, BA, BE, BA भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दिया गया। नहीं, रुक, यहाँ पे IA लिखेंगे दोस्तों, IA, है ना। तो यहाँ पर ये इसका IO लिखा जाएगा। जब IO लिखेंगे तो यहाँ पर A बन सकता है, लेकिन कभी भी O नहीं बनेगा, है ना। इस चार्ट को एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड को जैसे A ब्लड ग्रुप है तो इसको IA और IO से इंडिकेट करेंगे। अगर B है तो इसको IB और IO से इंडिकेट करेंगे। AB है तो इसका जीन होता है IA और IB, और O ब्लड ग्रुप होता है तो जीन होता है IO IO। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे, देखिए एक आदमी की शादी होती है एक महिला से। अब मान लीजिएगा किसी का ब्लड ग्रुप कुछ भी है, आदमी का AB है तो आप IA IB लिखेंगे, और IB होने पे IB और IO लिखेंगे। जब क्रॉस कराएंगे देखिए यहाँ पे AB मिलेगा, है ना। यहाँ पर AO का मतलब A मिलेगा, यहाँ पर B मिलेगा, और यहाँ पर B मिलेगा। तो देखिए इसमें O नहीं आ रहा है, तो ये O कभी नहीं हो सकता है, बस यही याद रखना है। आगे दिया है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है। देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये एक पिता है, पिता का रक्त वर्ग O है, मतलब इसका IA जीन होगा और IO होगा। इसके बाद माता का क्या है रक्त वर्ग है? माता का रक्त वर्ग है O, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका रक्त वर्ग है O, IO IO। तो कौन सा वर्ग हो सकता है? तो देखिए सीधी सी बात है, A हो जाएगा, AO का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, और यहाँ पर भी O हो जाएगा। तो रक्त वर्ग A भी हो सकता है, O भी हो सकता है, यहाँ पर O दिया है तो O इसका सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर सेम यही प्रश्न एक और दिया है कि एक पिता और माता का रक्तवर्ग क्रमशः ए और ओ है ना, तो कौन सा रक्तवर्ग संभव नहीं है। देखिए अभी जब जस्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया कौन सा संभव नहीं, देखिए आई ए को लिखे, ए को लिखेंगे आई ए आई ओ और ओ को लिखेंगे आई ओ आई ओ। यहाँ पे ए ओ कनेक्ट होगा तो ए आएगा, ओ ए कनेक्ट होगा तो ए आएगा, यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर ओ आएगा। देखिए ए होगा ओ होगा लेकिन बी कभी नहीं हो सकता, तो बी नहीं हो सकता है। आगे दिया है जब दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी है तो उनके बच्चों का रुधिर वर्ग हो सकता है। देखिए ए बी दोनों का ए बी है, तो इसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का है ए बी, तो मम्मी का ए बी है मतलब इसका जीन क्या होगा आई ए आई बी, पापा का भी ए बी तो आई ए आई बी। अब क्रॉस कराएंगे तो आई ए आई ए को ए लिखेंगे, आई ए आई बी को ए बी लिखेंगे, आई ए आई बी को ए बी लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। तो इनके संतान का रुधिर वर्ग होगा ए होगा बी होगा ए बी होगा लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता। देखिए सेम यही दिया है कि ए बी रुधिर वर्ग का ओ से क्रॉस कराना है, तो आप ये करा सकते हैं। आपने बायो में 12वीं की क्लास में जरूर सीखा होगा है ना। यहाँ पे देखिए सब ऐसे ही क्वेश्चन है तो ये आप क्रॉस करा के सीख सकते हैं ना। आगे दिया है मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। जो टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि ठंडी में कम ज्यादा या फिर गर्मी में कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज किसी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से, तो सोयाबीन और मूंगफली, इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, मूंगफली है ना। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है, कैरोटीन के कारण। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसने किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है, प्रोटीन और वसा। देखिए चावल और आलू सिर्फ खा रहे तो प्रोटीन और वसा से की कमी उसके अंदर हो जाएगी। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, कैल्सिफेराल कैरोटीन और टोकोफेराल है ना। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन होता है ना के ई डी और ए, ये चार होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, विस्तार से इसकी चर्चा किसी क्लास में करेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है, तो देखिए बी और सी, ये पानी में घुलेगा तो वसा में नहीं घुलेगा। आगे कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, बी और सी, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। देखो इसको याद रखने का तरीका भी आप आसानी से याद रख सकते, कीड़ा तेल में मर जाएगा। देखिए के ई डी ए, कीड़ा कीड़ा तेल में मर जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते भैंस गई पानी में है ना, भैंस गई पानी में। तो यहाँ पे देखिए अब विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, तो गाजर। कौन सा एक विटामिन ए प्रचुरतम मात्रा में स्रोत है, तो आम। आम में भी विटामिन ए होता है। विटामिन ए को भंडारित होता है यकृत में। यहाँ पर दिए गोल्डन राइस में किसकी अधिकता होती है, विटामिन ए की। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आगे दिए शुष्काच्छी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कारण। विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों ये हम लोगों के बायो की क्लास है, इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।